नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा लिखे गए पत्राचार एवं विधानसभा में हंगामे के बाद हुआ बड़ा उलटफेर। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत हटाए गए। एक बार फिर से डॉक्टर मनोज इंदुलकर को डीन की जिम्मेदारी दी गई है। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है, जिसके बाद डॉक्टर अवतार सिंह की जगह रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर राहुल मिश्रा को इसकी कमान सौंपी गई है। कई दिनों से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी। आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन बदले गए हैं। अब नए डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर होंगे। प्रभारी डीन डॉक्टर देवेश सारस्वत को हटा दिया गया है। वहीं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह पर भी कार्रवाई की गाज गिरी है। नई जिम्मेदारी रेडियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर राहुल मिश्रा को सौंपी गई है। ज्ञात हो कि विधानसभा अध्यक्ष ने संजय गांधी अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री को कड़ा पत्र लिखा था। डीन और अधीक्षक पर निशाना साधा था। गायनी विभाग में मरीज की निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भेजने का आरोप लगाया गया था। मामले की उच्च स्तरीय जाँच की भी मांग की गई थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल का मुद्दा विधानसभा में भी पहुंचा। यहां भी जमकर हंगामा हुआ। डीन के बदलने की मांग की गई। विधानसभा में उठे मुद्दे का असर हुआ। अधीक्षक सीएमएच और मेडिकल कॉलेज के डीन को बदल दिया गया है। अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संभाग आयुक्त को पत्र जारी कर डॉक्टर राहुल मिश्रा प्राध्यापक रेडियो डायग्नोसिस विभाग को संयुक्त संचालक का प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपने के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश जारी होने के बाद तत्काल अधीक्षक डॉक्टर अवतार सिंह की विदाई भी हो गई। वहीं डीन का सीधे तौर पर आदेश भी जारी किया गया है। बता दें कि संजय गांधी अस्पताल के गायनी में मरीजों के साथ हो रही लूटपाट का शिकार विधानसभा अध्यक्ष के चिर परिचित भी हो गए थे। प्रसव पीड़ा से तड़प रही गर्भवती को विधानसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर भी इलाज नहीं मिला था। डॉक्टर के प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, तब महिला की जान बच पाई थी। इस अव्यवस्था और लापरवाही पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने काफी नाराजगी जताई थी। स्वास्थ्य मंत्री को कड़ा पत्र लिखा गया था। यही मुद्दा विधानसभा में भी चुरट विधायक ने भी उठाया था। डीन को हटाने की भी मांग की गई थी। इसी का असर हुआ और अधिकारियों की कुर्सियां बदल दी गई है। वहीं इस आदेश के बाद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने डीन का पद भी संभाल लिया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि संजय गांधी अस्पताल आने वाले मरीजों को सही उपचार मिलेगा तथा उनकी देखरेख की जाएगी। प्रस्तुत है डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, पुनः जो है मुझे शासन ने जो निर्देश दिए हैं उसको पालन करते हुए आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ मैं। और वर्तमान में जो भी समस्या है हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड और कॉलेज से रिलेटेड है, उसको जितना जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कर सकें और अधिक से अधिक मरीजों को हम अधिक से अधिक तरीके से लाभान्वित कर सकते, यही हमारा उद्देश्य होगा। कोविड का दौर था, पूरा पेशेंट सेंट्रिक वो था। अभी हम मरीजों के अलावा भी जितने हमारे शासन की योजना है उनका अधिक से अधिक लाभ सभी लोगों को देने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम जो पुराने रुके हुए कार्य है उसको करेंगे और फिर जैसे भी शासन नया दिशा निर्देश जारी करेगी वो हम लोग मरीज के हितों में काम करते रहेंगे। सुरक्षा के उचित प्रबंधन, अभिलेखों के रखरखाव तथा सभी क्षेत्रों में बेहतर व्यवस्था को लेकर केंद्रीय जेल रीवा को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि रीवा के सेंट्रल जेल को आईएसओ प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय की माने तो केंद्रीय जेल के अंदर साफ सफाई, कार्यालयीन कार्य व्यवस्था, अभिलेखों एवं उपकरणों के रखरखाव, जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था के उचित प्रबंधन पर इनाम दिया गया है। कहते हैं कि इसके पहले भी रीवा सेंट्रल जेल को कई बार स्टार रैंकिंग मिल चुकी है। बता दें कि मैग्नीट्यूड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नोएडा की रीजनल मैनेजर महिमा पटेल द्वारा 20 मार्च को केंद्रीय जेल रीवा पहुंची। उन्होंने केंद्रीय जेल रीवा के जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया। कहा कि जेल में किए जा रहे अच्छे कार्यों का ये प्रमाण है, आशा है कि आने वाले दिनों में भी अच्छा कार्य जारी रहेगा। जेल अधीक्षक के निर्देश में कार्य व्यवस्था का संचालन उप जेल अधीक्षक राजेश अग्निहोत्री, उप जेल अधीक्षक संजीव कुमार गेंदले और सहायक जेल अधीक्षक श्याम सिंह कुशवाहा, सहायक जेल अधीक्षक प्रशांत चौहान, जेल अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजकुमार मिश्रा एवं डॉक्टर राघवेंद्र तिवारी की भूमिका इसमें सराहनीय रही है। इस दौरान उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रस्तुत है जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए, शासन जो जेलों को सुविधाएं उपलब्ध कराती है उसी के तारतम्य में केंद्रीय जेल रीवा में जो बेहतर प्रबंधन है,
बेहतर अनुशासन है, बेहतर साफ सफाई है, बेहतर मैनेजमेंट है, कैदियों का अनुशासन है, स्टाफ का अनुशासन है, यहाँ की रख रखाव व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है एवं अन्य जो ISO के मानदंड हैं उनके आधार पर केंद्रीय जेल रीवा को उन्हीं मानदंडों के आधार पर खरा पाया गया है। भोपाल की ISO टीम द्वारा इसका 3 बार ऑडिट किया गया। 3 बार ऑडिट करने के बाद केंद्रीय जेल रीवा को उनके जो निर्धारित मानदंड हैं उनके आधार पर इस संस्था को खरा पाया गया है। उसी के आधार पर कल ISO की टीम द्वारा केंद्रीय जेल रीवा में उपस्थित होकर के सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। इसमें हमारे समस्त स्टाफ का, बंदियों का बहुत अभूतपूर्व सहयोग और योगदान रहा है। सर, ये पहली बार ये प्रमाण पत्र मिला, इसके पहले हुई? नहीं, ये इस संस्था को पहली बार प्रमाण पत्र मिला है और ये संभाग की पहली जेल है जिसको ये ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। सोशल मीडिया में कई अफवाह भी चल रहे हैं कि हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। बदमाशों ने चाकू घोंप कर युवक को उतारा था मौत के घाट। दोस्त के साथ क्यूटी किला घूमने गया था युवक, घेर कर पेट में मारा था चाकू। बता दें कि रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत लाल गांव चौकी क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई युवक की हत्या का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मृतक युवक बीते 19 मार्च रविवार की दोपहर अपने दोस्त के साथ बाइक में सवार होकर क्यूटी किला घूमने गया था। इसी बीच 6 से 7 की संख्या में आए बदमाशों ने युवक को घेर कर उसके पेट में चाकू घोंप दिया और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। घटना के आज 3 दिन बाद युवक पर हमला करने का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें कि 18 वर्षीय मोहित साहू TRS कॉलेज में प्रथम वर्ष का अध्ययनरत छात्र था। बीते 19 मार्च को मोहित साहू अपने एक दोस्त के साथ गांव के बाइक में सवार होकर क्यूटी किला घूमने के लिए निकला था। इस दौरान आपसी रंजिश के चलते रास्ते में 6 से 7 बदमाशों ने उसे घेर लिया। इस दौरान बदमाशों ने पहले युवक के साथ जमकर मारपीट की और फिर बाद में एक युवक ने चाकू निकालकर सीधा उसके पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले से मोहित बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां पर रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद किया था जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें रविवार के दिन क्यूटी किला जाते वक्त युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला किया था। हमले में पेट में चाकू लगने से मोहित साहू की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई थी। संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को मोहित का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था, जिसके बाद घटना से गुस्सा आए मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने कलावारी लाल गांव के मुख्य मार्ग में शव को रखकर चकाजाम भी कर दिया था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और SDM, जिसके बाद देर शाम तक प्रशासनिक अधिकारियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और तब जाके कहीं चकाजाम को हटाया गया। बता दें कि हत्या के 3रे दिन बाद आज मंगलवार को छात्र की हत्या का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि छात्र मोहित साहू को 6 से 7 बदमाशों ने पहले तो रास्ता रोका, फिर उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश ने चाकू निकालकर मोहित के पेट में घोंप दिया। चाकू के हमले से मोहित साहू बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद उसके अस्पताल में मौत हो गई थी। वहीं इस दौरान वायरल वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक नौनीत बसीर ने लोगों से अपील किया है कि अनावश्यक वीडियो को फॉरवर्ड न किया जाए। युवक की हत्या का मुख्य कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ करने में जुटी है। ऐसे में बताया गया है कि मृतक युवक के खिलाफ पूर्व में दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसके लिए वह जेल भी जा चुका है। फिलहाल इस घटना में 7 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। प्रस्तुत है DIG नौनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। 2 दिन पूर्व हत्या का मामला पूरी कार्रवाई कहां तक? 2 दिन पूर्व जो घटना प्रकाश में आई थी उसमें एडिशन SP मऊगंज के नेतृत्व में 5 टीमें लगातार प्रयास कर रही थी, जिसका परिणाम यह है कि 7 में से 5 जो आरोपी हैं पुलिस के द्वारा राउंडअप कर लिए गए हैं। अभी प्रारंभिक पूछताछ की जा रही है, विभिन्न टीमें उनसे अलग अलग पूछताछ कर रही हैं कि इस घटना का मूल कारण क्या था और कोई तात्कालिक कारण या पूर्व में किस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ इसके चलते घटना हुई, इसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। और साथ ही साथ अभी हमारा प्रयास है कि अन्य शेष जो 2 आरोपी हैं उनको भी हम अतिशीघ्र हमारी टीमें राउंड अप कर लें और एक बार सभी आरोपियों से पूछताछ के पश्चात
जो भी रीज़न आएगा हम उसको आपको शेयर भी करेंगे। वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया। हम आप सभी के चैनल के माध्यम से पहले तो उन लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने मैटर की संवेदनशीलता गंभीरता को समझा और इस प्रकार किसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार के किसी वीडियो से समाज में कोई सकारात्मक संदेश नहीं जाता। और इसके बाद भी हमने देखा कुछ लोगों ने इसको आगे फॉरवर्ड किया है, तो अभी हम परीक्षण कर रहे हैं और जिन लोगों ने इसको हटा लिया उनको धन्यवाद, और जो लोगों ने फॉरवर्ड नहीं किया उनको भी धन्यवाद, और जो लोग इस पर अनावश्यक इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं हम लोग एक बार परीक्षण करके उसके विषय में विचार कर रहे हैं। इसकी हत्या जो हुई है, ये अपराधी भी है। हाँ जी, दुष्कर्म का मामला था उसके ऊपर। हाँ, जो मृतक हैं उनके विरुद्ध पूर्व में एक घटनाक्रम में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जेल गए थे, वो अभी दूसरे थाने का मामला है, मनगवा थाने का। 15,000 रुपये मजदूरी देने के बजाय श्रमिक का हाथ काटने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आपको बता दें कि 20 नवंबर 2021 को अशोक साकेत द्वारा अपनी मजदूरी 15,000 रुपये मांगने गणेश प्रसाद मिश्रा के घर गया हुआ था। इस दौरान मजदूरी को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा के द्वारा आक्रोशित होकर अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। इसका विरोध करने पर आरोपी ने तलवार से अशोक साकेत का हाथ काट दिया था, जिसके बाद एसडीओपी पीएस परस्ते ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए कटे हुए हाथ को अस्पताल पहुंचवाया था, लेकिन चिकित्सकों के अथक प्रयास के बावजूद श्रमिक का हाथ नहीं बच पाया था, जिसमें पुलिस द्वारा मामले को न्यायालय में पेश किया गया, जहां मामले में सभी साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी गणेश प्रसाद मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में पीड़ित की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम द्वारा पैरवी की गई थी। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये घटना 20/11/2021 की करीब 11 बजे की है। ये अशोक साकेत गणेश प्रसाद मिश्रा निवासी डोल के यहाँ मकान बनाने का ठेका लिया। मकान बनाने के दौरान उसकी 15,000 रुपये मजदूरी बकाया थी। दिनांक 20/11/2021 को 11 बजे तो गणेश प्रसाद मिश्रा के निर्मित मकान के समक्ष अपनी 15,000 रुपये मजदूरी मांगने के लिए गया अपने साथी सत्येन साकेत के साथ। तब उन्होंने गणेश प्रसाद मिश्रा ने यह कहा कि तुम्हारी मजदूरी 15,000 नहीं होती है, उससे कम मजदूरी होती है। उसी समय गणेश प्रसाद अशोक साकेत निवासी पड़री ने कहा कि आप हमारा हिसाब देख लीजिए, हमारी 15,000 रुपये ही मजदूरी होती है। इसी बात को लेकर गणेश प्रसाद मिश्रा आक्रोशित हो गए और उन्होंने तलवार उठाकर उसके अश्लील गालियां देते हुए उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया। तलवार से वार करने के समय उसने तलवार को अपने बाएं हाथ से रोका। बाएं हाथ से रोकने के दौरान उसकी बाएं हाथ की पूरी कलाई कटकर नीचे गिर गई। जब कलाई कटकर नीचे गिर गई और उस कलाई को अरहर के खेत में गणेश प्रसाद मिश्रा के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा छुपा दिया गया। घटना के बाद तुरंत रिपोर्ट सिरमौर थाने में की गई। सिरमौर थाने में रिपोर्ट करने के बाद तत्कालीन एसडीओपी पीएस परस्ते के द्वारा प्रकरण की गंभीरता से विवेचना करने के दौरान और पीड़ित व्यक्ति को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उसके हाथ को पूरा तलाशने का प्रयास किया, लेकिन जब उसका हाथ मिला और हाथ लेकर जब वो अस्पताल पहुँचे उस समय डॉक्टरों ने भी अथक प्रयास किया कि उसका हाथ बचना चाहिए, क्योंकि मजदूर जो है तो वो हाथ से ही मजदूरी करता है, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बाद भी उसका हाथ नहीं बच सका और वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। प्रकरण में आई साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, तमाम सारे साक्ष्यों की विवेचना करने के दौरान विशेष न्यायाधीश श्रीमान सीएम उपाध्याय साहब ने 307 में 10 वर्ष की सज़ा, 326 में 10 वर्ष की सज़ा, 25(2) आयुध अधिनियम में 3 वर्ष की सज़ा, और चूंकि गणेश प्रसाद मिश्रा सवर्ण है और उनको ये जानकारी थी कि अशोक साकेत एसटी का व्यक्ति है और उसके साथ वारदात किया, इसलिए 325 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। प्रकरण की पैरवी चिन्हित केस है। इस प्रकरण की पैरवी डीपीओ
सूरज पांडे और विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई। रीवा में बीते दिवस और आज हुई बारिश के बाद मौसम विभाग ने एक बार फिर से जिले के किसानों को अलर्ट किया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो रीवा में अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। आज दोपहर हुई बारिश के बाद मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि रीवा जिले में कल यानी 22 मार्च को भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी, जहां जिले के त्योथर और नई गढ़ी ब्लॉक को छोड़कर अन्य सभी ब्लॉकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 25 और 26 मार्च को भी जिले में तेज गति से हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। रीवा के मौसम वैज्ञानिक मंजू मिश्रा ने बताया कि जिले में बारिश की संभावनाओं के चलते किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित जगह पर रखना होगा। उन्होंने कहा कि सरसों चना मसूर की अधिकांश फसल कट चुकी है, जबकि गेहूं की फसल अभी भी काटना बाकी है। हालांकि उन्होंने कहा कि जिले में ओले गिरने की संभावनाएं अब कमी है, जिसके चलते किसानों की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन तेज गति से चलने वाली हवाओं से इस सीजन में आम को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। फिलहाल मौसम विभाग ने रीवा जिले में एक बार फिर 22, 25 और 26 मार्च को भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं और इसे लेकर किसानों को भी सतर्क किया गया है। आइए सुनते हैं मौसम वैज्ञानिक मंजू तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। किस तरह की फसलों को नुकसान है और कैसी स्थिति है जिले में? मैं सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ कि अगले 5 दिन की जो मौसम की जानकारी है, पहले उसके साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ। तो कल से 22 से लेकर 26 तक की मौसम की जानकारी मैं किसान भाइयों को देना चाहूँगी कि 22 तारीख को रीवा जिले के 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक में से त्योथर और आपका क्या कहते हैं नई गढ़ी, दो ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो सारे ब्लॉक में 22 और 25 और 26 तारीख को हल्की वर्षा होने की संभावना है। हवाएं जो हैं आपके यहाँ पे 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना, वो भी आपका जो है 23, 25 और 26 को थोड़ा तेज़ हवाएं चलेंगी। बाकी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है आपके यहाँ पे। तो 5 दिन का मौसम ऐसा रहने वाला है आपके यहाँ, बादल क्लाउड कवर, मतलब बादल थोड़े छाए रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी फसल कट चुकी है, खेत में पड़ी है, तो उसको आप कहीं सुरक्षित जगह में रख लें ताकि आपकी जो कटी फसल है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और वैसे तो अभी जितने भी किसान भाई हैं उनकी सरसों की, चना की, मसूर की फसल कट चुकी होगी। फिलहाल जिसकी फसल नहीं कटी हुई है, अगर मान लीजिए ओला वैसे पड़ने की संभावना नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी ओला पड़ती है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंटिन्यू अगर पड़ रहा है तो थोड़ा बहुत फसल में दिक्कत समझ में आएगी। और गेहूं की फसल में ये है कि अभी जैसे जो अभी कुछ दिन पहले मौसम, 2-3 दिन पहले जो मौसम था उसमें हवाओं की गति बहुत तेज़ थी। जब तेज़ गति से हवाएं चलेंगी और वर्षा बहुत तेज़ रहेगी, लंबे टाइम तक के लिए रहेगी, तो हो सकता है कि आपकी फसल या तो लेट जाएगी हवा के कारण से। बाकी वैसे ज़्यादा क्षति नहीं है, क्षति सबसे ज़्यादा जो है वो है आपकी आम की बौर की फसल में, बौर जो आई है वो आपकी झड़ जाएंगी, क्योंकि हवा है, पानी है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो इस कंडीशन में जब आम की बौर आ जाती है या आम की जो छोटी छोटी टिकोरियाँ या फल लगना स्टार्ट हो जाता है, उस समय पर जब मौसम थोड़ा बदलता है तो आम की बौर को थोड़ा नुकसान उससे समझ में आता है। क्या माना जाए इस बार आम की फसल नहीं, उससे कोई बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हल्का सा थोड़ा मौसम चेंज हुआ है इस कारण से ऐसा हो रहा है। बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें आपको देखने के लिए पड़ेंगी। वैसे भी आम की फसल में ये माना जाता है कि जितना उसमें बौरें आती हैं, फूल लगती हैं, उतनी फसल उसमें उतने ज़्यादा फल कभी नहीं लगते, क्योंकि आम की में झड़ने की जो समस्या है उसमें नंबर ऑफ फ्लावर सेट जितने होते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट सेट उतने कभी नहीं होते हैं। देखा जा रहा है गेहूं की भी फसल को काफ़ी, हाँ गेहूं की फसल को भी अभी जो 2 दिन पहले बारिश हुई है उसमें जो मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ था शाम के समय पे, तो देखा गया है कि बहुत जगह पे जो किसानों की जो फसल है वो वर्षा के कारण से, तेज़ हवा के कारण से लेट गई हैं फसलें वो। तो ऐसे अभी कंडीशन नहीं बनी है जो 5 दिन है, क्योंकि हवाएँ बहुत तेज़ नहीं हैं आपकी जो है 8 से 10 किलोमीटर चलेंगी, तो उसमें ज़्यादा संभावना नहीं है कि फसल को अब कोई नुकसान हो सकता है। पहले जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए जो है मुख्यमंत्री कुछ बता सकते हैं कि भाई किस किस जिले में कितना नुकसान हुआ है, जैसे अब रीवा डिस्ट्रिक्ट में कितना नुकसान हुआ है, कितने परसेंट नुकसान किसान जो है वो लॉस में जा रहे हैं, उस हिसाब से उनका जो रहता है वो अपने हिसाब से जो काम उनको करना रहता है वो करेंगे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि रीवा में कितने परसेंट लॉस किसानों को हुआ है।
एक पहले अनुमान लगाया जाता है, एक पहले जानकारी क्वेरी ली जाती है हर ब्लॉक वाइज कि इस ब्लॉक में कितने परसेंट किसानों की कौन सी फसल खराब हुई है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँ किसान भाइयों को, अगर आप फसल खलिहान में रखे हैं या फसल आपके खेत में पड़ी हुई है कट करके, तो कृपया करके उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखें या पन्नी से ढकने की कोशिश करें, उसको लेकर आएँ अपने घर में कहीं पन्नी से ढक के रखें ताकि जो फसल आपकी बची हुई है फिलहाल वो आपकी बची रहे, आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। शुभ नाम आपका। मेरा नाम है मंजू शुक्ला, एग्रोमेट ऑब्जर्वर, कृषि विज्ञान केंद्र रीवा। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।